नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से, आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की कोर्स से एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमारे एक व्यूअर ने मुझसे पूछा है। चलिए, वो क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली उनके पास क्वेश्चन ये है कि उनके पास, हालांकि उनकी जो फाइल है वो कोई और फाइल है, लेकिन वो मैं किसी की ऑफिशियल फाइल हम मैं पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता, इसलिए मैं एक सैंपल बनाया हुआ है। ये हमारा क्वार्टर वन है, क्वार्टर टू है, क्वार्टर थ्री है, क्वार्टर फोर, इस तरह से अलग अलग क्वार्टर्स में हमारा डेटा रखा हुआ है। और जो क्वार्टर्स है वो एक सीट पे है, अलग अलग सीट पे है, एक सीट के ऊपर नहीं है, अलग अलग सीट के ऊपर है। अब मुझे एक समरी में इसको वी लुकअप से डेटा को लुकअप करना है, बट प्रॉब्लम ये है, तो चलो यहाँ 4 सीट है, लेकिन उनके पास ऐसे 400, 700, 800 ऐसे सीट्स होते हैं और उनकी इस तरह से कॉलम्स होते हैं, आगे वो बढ़ते और घटते रहते हैं, तो हर बार उनको मैनुअली एक एक सीट में जाके वी लुकअप लगाना पड़ता है। सीट नेम चेंज होता है तो फिर वापस जाके फॉर्मूला दोबारा से लगाना पड़ता है। अभी देखिए, आपने हमने वी लुकअप लगाया, जैसे क्वार्टर वन पे लग गया, मैं इसको नीचे ड्रैग कर दूंगा तो पूरा डेटा आ जाएगा। ऐसे उनको वी लुकअप लगाना पड़ेगा क्वार्टर टू में, क्वार्टर टू कॉमा 2,0। ये क्वार्टर क्वार्टर टू का डेटा है, में क्वार्टर टू का डेटा। ऐसे क्वार्टर थ्री फोर ऐसे ही आपके और भी, जैसे मान लीजिए डेट है तो डेट के हिसाब से आगे कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, तो ऐसी उनकी पास प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने मुझसे इसका सॉल्यूशन मांगा है कि क्या कर सके। तो सॉल्यूशन देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जैसे मैं कभी भी कोई क्वेश्चंस किसी की अपलोड करूंगा, कोई भी ट्रेनिंग वीडियोज अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि मैं डेली 30 से 40 नए टॉपिक्स अपलोड करता हूँ, तो डेली आपको 30-40 टॉपिक सीखने का मौका मिलेगा। और साथ ही आपको कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, या फिर मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ लाइव क्लासेज 1-to-1 ऑनलाइन लाइव क्लासेज 1-to-1 लेना चाहते हैं, जी हाँ, हम लोग जूम ऐप के थ्रू लाइव ऑनलाइन 1-to-1 क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ये क्लासेस लेनी है तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मुझे आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं और डेमो क्लास का रिक्वेस्ट फॉर्म भर दें, एक दो क्लास डेमो लें, ठीक लगा तो ज्वाइनिंग प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद इसमें अगली जो आता है वो आता है हमारी रिकॉर्डेड पीडी। देखिए, यूट्यूब पे मैंने वीडियोज बहुत सारे 3,000 के आसपास वीडियो डाले हुए हैं, लेकिन सारे सिक्वेंसली नहीं है और न ही पूरे टॉपिक की वीडियो हो सकती है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे जस्ट प्रमोशनल वीडियो या फिर हमारे व्यूअर एंड ट्रेन जो हमारे ट्रेनीज हैं उनके क्वेश्चंस को अपलोड किया है। तो आप सिक्वेंसली वीडियो चाहते हैं तो आपको हर वीडियो वीडियो की फाइल हम दे सकते हैं पेन ड्राइव में, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। तो परचेज करने के लिए मुझे कॉल करें या फिर मेरे वेबसाइट iptindia.com से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए, सर बातें बहुत हुई, अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। तो सॉल्यूशन क्या है, तो इसमें देखिए, पहली चीज ये कि आपका जो हेडिंग है वही इनके सीट नंबर्स है, तो सीट के नेम को, जो सीट के नेम है उनको हम हेडिंग से उठाना चाहते हैं कि जो हेडिंग हुआ उस सीट पे चले जाए। तो आप देखेंगे कि दोनों फॉर्मूला हमारा उसमें क्वार्टर वन क्वार्टर टू का सिर्फ नेम का डिफरेंस है, तो यहीं पे थोड़ी सी हम तिक्रम करेंगे। हम क्या करेंगे कि क्वार्टर वन को यहां से डिलीट कर देंगे, और जो क्योंकि रेफरेंस सब में सेम है तो हमने यहाँ पे ले लिया अपना रेफरेंस इस तरह से, हमने ऊपर इसको लिया, इसमें कॉनकेटेनेट कर लिया, तो B1 कॉनकेटेनेट और हमने ये दे दिया A से B। अब मुझे क्या करना है, मुझे अभी क्या है कि एंटर मारने से एक्सेप्ट तो नहीं करेगा, क्योंकि ये जो कॉनकेटेनेट हुआ है ये हमारा टेक्स्ट है,
ये रेफरेंस नहीं है, तो इसको रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे इनडायरेक्ट फॉर्मूला, इनडायरेक्ट, और हम इनको बीच में रख देते हैं। और नीचे ड्रैग करने से पहले हम वन को फ्रीज कर देंगे ताकि वन टू ना हो, लेकिन बी को फ्रीज नहीं करेंगे क्योंकि बी सी ई एफ होना चाहिए, और फिर हम इसको ड्रैग करेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले हमें इसको भी तो फ्रीज करना पड़ेगा एक को, ताकि ए बी ना हो, और फिर हमने ड्रैग कर दिया और फिर नीचे की तरफ भी इसको ड्रैग कर दिया। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि नाम चेंज हो गया जाए, तो अब समरी में देखेंगे कि आपका रेफरेंस आ गया, क्योंकि क्वार्टर वन ऊपर जैसे ही मैं यहाँ पे जैन करूंगा, रिपोर्ट हमारा वी लुकअप हमारा काम कर जाएगा और हमारा फॉर्मूला यहाँ आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपके कॉल का इंतजार करूंगा, व्हाट्सएप का भी इंतजार करूंगा, और अपने दोस्तों को प्लीज वीडियो शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।